अमेरिकी टैंक के ऊपर हम दोनों इस वक्त खड़े हुए हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और पीछे कितने सारे टैंक हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कायदे आजम मोहम्मद अली जना और फातिमा जना और भी बहुत कुछ साथ साथ। ये सब मुजस्मे बहुत ही खूबसूरत आर्मी म्यूजियम में है हिजरत करने वाली। ये देखे ट्रेन भी आपके सामने है और फौजी भी ये देखे एक दूसरे को पकड़ते हुए और आपके सामने किस तरह पोर्ट्रेट बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासीन मुनीर। मैं हूँ फौजिया यासीन। आज हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हम म्यूजियम का पूरी चीजें नहीं दिखा सके। हाँ जी, तो ये हमारा पार्ट टू है। नेक्स्ट पार्ट टू है और आज 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान। जी जी जी। तो साथ हमारे ये देखे लैंस टैंक ही टैंक। पिछले वीडियो में हम ये टैंक नहीं दिखा सके और कुछ हेलीकॉप्टर भी कुछ रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में रहिएगा साथ। एक गन्स जोन सी है ये, यहीं पे वीडियो पे हमने एंड किया था पिछली वीडियो में। वीडियो हमारी काफी लंबी हो रही थी ना, अब नेक्स्ट यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, ये गन्स कितनी ज्यादा थी ये हमने दिखाई और ये बहुत बड़ी है। देखे ये ट्रक है बूढ़ा, ट्रैक्टरी है ये, इंग्लिश में कोई इनका लफ्ज लिखा हुआ है, क्रेन है, क्रेन। ये हैवी आलात उठाने के काम आती है ये क्रेन। ये देखे इसके पीछे भी व्हील है, चार इस तरफ है, चार उस तरफ, आठ ये है और दो आगे हैं। और इसकी क्रेन का पूरा ये सिस्टम है जो वो देखिए चीजें उठाने वाली। हाँ हाँ, वो बड़ा सा है, गर्म होगी है, गर्म है। ये वजनी बहुत होगा, वजनी मैं कहता हूँ। ये घूम तो रहा है, पत्थर का, ओ भाई लोहे का है। अल्लाह के बंदे, लोहे की चीजें हैं ये सारी। ये बड़ा टायर है, कितना बड़ा टायर है, ये भी घूमेगा। आए हाय हाय, और टायर घूमते हैं, अगले टायर घूमते हैं। तू उधर है, मुझे भी पता है, टैंक के साथ साथ ये पक्के यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं म्यूजियम आवाम को दिखाने के लिए। और ये भी टैंक है, ये जंगे अजीम दोम में इस्तेमाल हुआ अमेरिकी टैंक है फौजी वाले। ये उनको किसी ने फिर गिफ्ट किए होंगे। हाँ जी, ये मुल्कों को गिफ्ट किए होते हैं किस्म टैंक, हर चीज अमेरिका, साख्त भी अमेरिका की है। ये अमेरिका का टैंक बना हुआ है। ये मीडियम मीडियम है, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। हाँ, ये टैंक वो कितना खूबसूरत टैंक है, उसका कलर देखिए कितना ना। ये देख इसका टैंक तो, ये दिखाए मीडियम, इसका रंग भी देखे, स्किन से कलर क्या है, येलो येलो हल्का सा, अमेरिकी साख्त का। ये भी अमेरिकी टैंक है। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है ना। इसके दरवाजे जो ऊपर हैं उनके ऊपर इतने तो मोटे स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो बहुत ज़ोर से खींचे जाएंगे तो फिर ये खुलने वाले हैं। इसके ऊपर उसके लिए खोलने के लिए इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सही, ऊपर ना चढ़ो, वो बच्चे चढ़ रहे हैं, वो देखे बच्चों को चढ़ने। मैं भी चढ़ सकता हूँ। अच्छा, वो देखिए आप उससे भी ऊपर चढ़। मैं भी एक बच्चा हूँ। ये नहीं खुलता, ये उसने क्या खुलना है, मैं इसके अंदर जाना था। अच्छा सही है, अब नीचे कैसे आओगे, ये गोले के ऊपर। अच्छा, इतने सारे टैंक है इधर भी और इस तरफ भी और हमारे सामने भी। इधर से ही आने की कोशिश करता हूँ। गुड। अच्छा, इनकी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, उन्होंने कहा ना वहाँ एंजॉय करे। ये देखे टैंक कितना बड़ा टैंक है और फौजिया कोशिश कर रही है इसके ऊपर चढ़ने की। फौजिया चढ़ जाएगी, उतरेगी कैसे, जैसे चढ़ेगी है, है। पता नहीं किसे मुल्क है, अभी दिखाया भी नहीं है। फौजिया भी टैंक के ऊपर चढ़ गई है, देखे तो सही। और ये भी अमेरिका की साख्त का, वजन इसका 45 टन है। पीछे भी दो जोन से टैंक आए हैं, वो भी अमेरिका साख्त के थे। ये भी M48A5 मीडियम टैंक है ये भी। और फौजिया ये देखे इंजॉय करते हुए टैंक के, अमेरिका के टैंक के ऊपर बैठी हुई है। वाह जी वाह। और बाकी टैंक भी देखे साथ साथ।
ये देखो कहाँ से बने और कहाँ आज हमारे म्यूजियम में ये खड़े हुए हैं टैंक। इसके पहिए अंदर वाले लोहे के पहिए देखे कितने सारे हैं, ये देखे। क्या करूं मैं भी ऊपर हूँ, फौजिया कह रही हो आप भी ऊपर हैं। ये टम 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 टम, हम तो स्पीड से ही चले जाएंगे ऊपर। फौजी टैंक देखे ऊपर, ये भी खुलने वाले स्प्रिंग कितने, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत वजनी है। अमेरिकी टैंक के ऊपर हम दोनों इस वक्त खड़े हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और पीछे कितने सारे टैंक है, ये देखो तो सही। वाह जी वाह, अब नीचे भी उतर जाए, जैसे मैं उतरा था वैसे उतरेगी। अल्लाह माफ करे, कुछ ना कुछ खुलने वाली चीज होगी। ये देखो एक चीज मैंने खोल ली, अंदर क्या कुछ है पता नहीं, मेरा फोन ही ना अंदर चला जाए। लॉक ये खुल सकता था, लेकिन मुझे लग रहा लॉक लगा हुआ है किसी चीज। अभी क्या क्या चीजें हैं यार, हमें इनके साथ खेलने का मौका मिला है। कभी ये सोच भी सकते थे कि भी हम यह खेल सकते हैं? जान मेरे साथ होता था ना आपके साथ, तो उससे तो आपका और दोनों बाप बेटे ने मिलके ना जबरदस्त इसको खूब एंजॉय करना था। ये येलो कलर का टैंक एक नजर आ रहा है, मेरे ख्याल आगे भी एक है, वो छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये देखे आप सीढ़ियां उतर रहे हैं, गर्म है? नहीं ये गर्म तो है, मुझे लग पता क्या है, वो ये इनको रंग वगैरह करते रहते हैं, चमकते हैं ना कि वो बारिश जब होती है पीए नहा भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं, नहाते तो है ही है। उधर ऑयल वगैरह भी गिर रहा है, पता नहीं किसका गिर रहा है, ऑयल वगैरह भी दिया होगा ना उन्होंने, नहीं बहुत ज्यादा ही गिरा हुआ है, मुझे लगता है ये पानी गिरा है, बीच में से मिक्स होके कोई ऑयल नुमा भी निकला, पानी नुमा ही है इसमें से निकल रहा है बाहर। ये किस सख्त का है ये भी दिखाते हैं, किस मुल्क का है, इसके पहिए भी देखें, इसके जरा मुख्तलिफ है। ये ब्रीक सा टैंक है, ब्रीक सा, इसका गोला लगाने वाला भी है, देखो ये मोटे वाला है और ये थोड़ा सा छोटे वाला है, रूस की साख्त है ये देखें। बाकी इसका रेंज वगैरह हर चीज, इसकी ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, बाकी मॉडल वगैरह हर चीज लिखी हुई है। ऊपर भी चढ़ सकते हैं, सीढ़ियां साथ साथ लगाई हुई हैं। गाड़ी नुमा टैंक है फौजी जी, इसके अंदर कुछ लोग बैठ भी सकते हैं बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल यानी कि छुपा हुआ नहीं, बाकी सारे छुपे हुए हैं, सारे अंदर ग्राउंड है, ये ओपन है ये वाला टैंक। ट्रैक्टर नुमा है ये टैंक, ट्रैक्टर नुमा, ये भी अमरीकी साख्त का है। हाँ जी अमरीकी अमरीकी अमरीका रूस, ये देख ले, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, जिन्होंने हमें ये चीजें भी दिखानी, जिन्होंने हमें ये सब चीजें देखने का मौका दिया। बिल्कुल आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं और ये सारी चीजें आसानी से, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, पिक्चर खींचे वीडियो बनाए आए और वीडियो एक एक टैंक की बनाए, और कितने खूबसूरत टैंक है। क्या ए पुत्र हटा दे, नहीं मैडम तरन्नम नूर जहान ने ऐ पुत्र हटाते नहीं विकदे, फिर लभदी फिरे कित बाजार कुरे, ऐ मान ने माना वालियां दे की लभदीए विच बाजार कुरे। बस इसी तरह ही था जितना भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये देखे इसकी रफ्तार, जमीन पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से बहुत ही स्पीड से ये चलने वाला रूसी साख्त का ये टैंक है। ये अच्छा इस टैंक के मैंने देखे हैं, इसके व्हील जो उनसे अंदर की तरफ भी है, वो देखे दो इस तरफ भी हैं और दो उस तरफ भी, ये अंदर भी है। इस टैंकों पे जाता है कोई मसला हो जाए तो ये अंदर वाले पहिए भी इस्तेमाल हो जाएंगे, इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन अब बार बार टैंकों के ऊपर चढ़ना मीटर फौजी 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये टैंक चलता है। अच्छा हाँ जी, काश मैं इस पे बैठी होती तो। और ये दो टैंक रह गए हैं और बाद में हम हेलीकॉप्टर भी दिखाएंगे, वीडियो में रहिएगा साथ। करते हैं कि आप हमारी वीडियो से इंजॉय करते होंगे और मजा आता होगा आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले इससे पहले ना बॉर्डर्स की वीडियो डाली थी, उस पे आपने हमें बहुत प्यार दिया था, बिल्कुल इंशाल्लाह आप इस वीडियो पे भी हमें बहुत प्यार देंगे। हाँ जी ये सारी दफा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और ये टैंक जोन्स है ये मुख्तलिफ है, इस मरतबा जितने टैंक देखे हैं किसी में भी उस मुल्क का नाम नहीं था, इस मुल्क का नाम देखें कनाडा, साख्त इसकी कनाडा की है।
ये देखें इसकी रफ्तार जो 38 किलोमीटर फी रफ्तार है। हाँ जी गोगान नाम हमें तो टैंक ही नजर आ रहा है जिसके इस तरह होते हैं, उन्होंने इंग्लिश में भी सारे लिखे हुए हैं और उर्दू में भी। ये देखें हमें तो ये टैंक नुमा ही नजर आ रहे हैं जिसके इस तरह व्हील होंगे ना साइडों में, देखो कितना जबरदस्त वो उसकी चेन नुमा वो बनी हुई है। हाँ जी हाँ जी, वो भी ये मतलब जब चलती होगी ना तो ये ऐसे चेन ही ऐसे घूमती है, चैन ही घूमती है। हाँ। वो जो लोहे के लगे हुए है ना इनसे इनकी वजह से ये घूमते है। ये इसी तरह कोई अंदर से इनका सिस्टम बना हुआ है, मुझे लग रहा है ये पहले वाला जोन सा ना ये चलाता है और ये व्हील जोन से ये वैसे ही लगे हुए हैं इनको कवर करने के लिए ये व्हील। और इसी तरह ये आखिरी टैंक जो नोक पे हमने बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, सारे टैंकों में से ये आखिरी बहुत बड़ा टैंक है। ये मुझे लगता है तो है कलाशन तोप की भी क्या होती है, कोई है क्या किस्म बता दी तूने इसकी हिस्ट्री लिखी है कि नहीं लिखी नजर नहीं आ रही, बहरहाल इसी तरह ही है। फिलहाल यही समझेंगे कि ये पाकिस्तान का टैंक है, पाकिस्तान का बना हुआ ये टैंक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि दुनिया में हर मुल्क जिंदाबाद। सबको अपना अपना मुल्क पसंद होता है ना, बिल्कुल सबको अपना अपना मुल्क पसंद होता है, हमें भी अपना मुल्क पसंद है, एक आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये हेलीकॉप्टर का अंदर से भी व्यू सारा दिखाया और इसी तरह ये देखे दो हेलीकॉप्टर हैं, कितने कितने बड़े और बंदे अंदर भी बैठे हुए हैं, फौजी पायलट अंदर बैठे हुए हैं। हाँ दो दो बैठे हुए हैं, दो पर वाला ये हेलीकॉप्टर है, इसके आगे ये बंदूकें हैं फौजी, ये इनसे गोलियां निकलती हैं मेरा ख्याल। हाँ ओ यहाँ से गोलियां निकलती है तर 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 तर, और इधर से भी उधर भी है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग। हाँ यहाँ से एकदम से खड़म करके निकलती होंगी, ये दो बड़े बड़े परों वाला ये दो हेलीकॉप्टर है पाकिस्तान आर्मी, ये पाकिस्तान आर्मी का है। और इधर जो उनसे है ये हेलीकॉप्टर, इसके भी चार पर है, उसके भी चार पर थे तो इसके भी यही चार पर हैं, और ये बहुत ऊंचा करके खड़ा किए हुए हैं ये दोनों। देखें देखो 8 फौजी जवान इसमें सवार हो सकते हैं। ये बाहर की साख्त का ये हेलीकॉप्टर है, ये इस्तेमाल भी अफगानिस्तान पे ही हुआ था इस हेलीकॉप्टर का। एक ये हेलीकॉप्टर है जो हल्का फुल्का सा है, इतना वजनी नहीं है जितने वजनी वो पीछे वाले थे, ये वजनी हेलीकॉप्टर है वो भी और ये दोनों भी। और ये हेलीकॉप्टर भी है जो बिल्कुल यानी कि सरिये के नुमा पीछे भी है और पीछे जो उनका पंखा है एक उधर भी चलता है, इसके पर तीन है, दो इस तरफ है एक दूसरी तरफ है पर, और इसका फ्रंट भी सारा शीशे का ही बना हुआ है, फौजी अंदर बैठे नज़र आएंगे। और इसका ये भी हेलीकॉप्टर लामा हेलीकॉप्टर है, देख सकते हैं कि दरमियान में टैंकी लग रही है पेट्रोल की, ये खड़ा होने के लिए, इसके पहिए वगैरह कोई नहीं है हेलीकॉप्टर के, ये इसके नंबर, और पर एक इस तरफ। ये हेलीकॉप्टर भी जो तीन हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और यहाँ पे फौजिया तो बैठी हुई थी तो कह रही थी पीछे से हेलीकॉप्टर कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला, इसके रंग कितने खूबसूरत है, पहिए भी है इसके दो पीछे है दो आगे हैं, ये भाग के उड़ने वाले भी हैं, और ये वाले जो से है खड़े खड़े ही ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ओ जहाज देखा फौजी, ये एयरपोर्ट भी बिल्कुल साथ है, और जहाज किस तरह फ्लाई करते हुए वो उड़ता जा रहा है, इधर से एकदम से उड़ा है और वो ऊपर हवाओं में उड़ गया। ये अंदर जो हम पहुंचे हैं तो ये आपके साथ ये सारे जर्नल है, जब से पाकिस्तान बना हुआ है तो उस वक्त की ये जर्नल है, ये सब की तस्वीरें लगी हुई हैं। और अंदर जो उनसे है ना वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, जो हमने तस्वीरें आपके साथ शेयर करनी शुरू कर दी हैं जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना भी बैठी हुई हैं और ये स्पीच करते हुए, आप देखिएगा मुकम्मल वीडियो जिसमें मुगलिया दौर के भी जो कारनामे हैं वो भी आएंगे, जो जुल्म भी होता था एक दूसरे के साथ, जो बागी होते थे उनको भी, उनके भी तस्वीरें साथ साथ हैं, मुकम्मल वीडियो में साथ रहिए है।